Namaste. Welcome to our channel, Delcy Priyagi. गुड मॉर्निंग विनीता। हाय। सो आज हम क्या बताएंगे? आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। यहाँ से नहीं जाएंगे तो बैकयार्ड है। ये यहाँ से नहीं जाओगे? अगर तुम नीचे चले जाओगे तो नजर नहीं आओगी। नहीं सब ठीक है। ये तुम्हारे मुंह के आगे है। ओह इतना ठीक है। सो आज के प्रोग्राम में हम लोग का शॉपिंग का और काफी कुछ लिस्टिंग हमारे पास ऑलरेडी है, कुछ वहाँ पे नया दिख गया तो लेंगे। और आज का नया एपिसोड रहेगा हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस को लेके। पिछली बार का बहुत अच्छा रहा था, स्पेशली मेरी सुपर बाइक से रिलेटेड जो भी सामान था वो शिकागो से नहीं, सेंट लुइस से लिया। सेंट लुइस साइकिल गियर से लिया। दिस टाइम भी प्लान में है, बट उससे पहले सामाजिक शॉपिंग करनी है। तो देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हम जा रहे हैं विस्कॉन्सिन, जहाँ पे फिलहाल हम इलिनॉय बहुत सारे ब्रांड के स्टोर्स हैं, फैक्ट्री आउटलेट कह सकते हो। फैक्ट्री आउटलेट होते हैं ना? शायद आउटलेट्स ही हैं वो। जाके पता चलेगा ना। हाँ जाके देखेंगे मतलब क्या रहता है, कैसे रहता है। वी आर ऑल रेडी गियर्ड अप। और ये जो आवाज़ अगर आपको आ रही है तो यही नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। बहुत आवाज़ करता है ये। और मौसम गर्म हो गया है यार। सच में मैं बोलने वाली थी कि आज गर्मी है। 30 के करीब डिग्री पहुंच रहा होगा। और कमाल की बात यह है कि इससे एक दो हफ्ते पहले यार मैं $100 की एक जैकेट लेके आया, खूब गर्म, ये सोचते हुए कि लेकिन शिकागो में जब जाएंगे ना वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ पहनेंगे। अभी तक नहीं पहने हैं, अभी तक पन्नी अंदर ही पड़ा है। इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है तो कहाँ पहनेंगे यार। बट पिछली बार का डर सोच के मैं लेके आया था। अच्छा है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा। क्या पता इंडिया जाके इंडिया में जाना इतनी हो तो कश्मीर जाएंगे पहन के। इंडिया में यार इतनी ठंडी पड़ती नहीं जितनी यहाँ पड़ती है। उस हिसाब से मैंने एक ही जैकेट ली थी, अच्छा हुआ दो तीन नहीं ली, वरना मन तो दो तीन लेने का कर रहा था। फिर दिमाग में यही आ रहा था कहाँ पहनेंगे इंडिया में, या तो ओली में इतनी ठंड पड़ेगी, पहाड़ी इलाकों में ऑब्वियसली। लेकिन हम तो ऐसे बोलो जैसे हम लोग वहाँ बसते ही हैं। हाँ जैसे बसते हो एक दिन के लिए, क्या इतने $100 लगाना। बट एक में लगा दिया है मैंने। अब जो है झेला जाएगा यार। और आप कुछ, आपकी क्या लिस्ट, आपने क्या प्लान किया? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे तो बस जाके देखना है पहले, रिकॉर्ड करूँगी फिर जाके बोलूँगी, तब देखा जाएगा। लड़कियों से कभी इतना पहले लिस्ट नहीं पूछनी थी, लेकिन खरीदना क्या है। सी ये डिफरेंस है ना हमारे लोग के, लड़कों के दिमाग में वी नो what we need to get क्योंकि हम लोग में size का बड़ा फर्क पड़ता है। once you go size से item का क्या मतलब, would you take a wallet or would you take a t-shirt? नहीं, जब आपको वो चीज नहीं मिलती then you feel disappointed, इससे prepared होके join। you know कि आपको चार या पांच जोड़ी खरीदना है, चार पांच जोड़ी कुछ भी नहीं। अगर हम लोग का एक map बनाया जाए ना शॉपिंग करते समय, तो आई गेस लड़कों का मैप होगा बड़ा सिमेट्रिकल, सीधा लेफ्ट राइट लेफ्ट सीधा, बिल्कुल बढ़िया। इन लोगों का कैसे होगा? मैगी घूम रहे हैं। लड़कों की शॉपिंग किन की लड़कों की शॉपिंग करा रही हो? और मेरी करा रही हो ना, लड़कों की शॉपिंग का क्या मतलब? किन लड़कों की शॉपिंग करा रही है? लड़कियां अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड इनकी शॉपिंग करवाती हैं। चमकदार चीज निकालने का मतलब क्या था, आप ये भी समझाओ। कोयले से हीरा निकालना, ये यहाँ का हमारा एनवायरनमेंट। ये पास में हाईवे, जहाँ मन करता कभी कभी टाइम लैप्स में लगा दूँ, बट कोई एंगल नहीं मिलता, बड़ी हरियाली है। नहीं इतना लगा के नहीं छोड़ेंगे। बट जैसे हम समझ रहे थे कि इनका कहने का तात्पर्य क्या था, क्या था आपका तात्पर्य? मेरा वचन ही है शासन। हाँ पर आप क्या बताना चाह रहे थे, लड़के कैसे शॉपिंग करते हैं, लड़कियां कैसे शॉपिंग? लड़कियों में बहुत डिफरेंस होता है। लड़कियाँ चेक करती है, मटेरियल चेक करती है, तो उसके बाद प्राइस भी देखती है, उस बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हमें पता रहता है हमें क्या लेना है, बस फर्क इतना है, इन लोगों को पता नहीं रहता कि लेना क्या। जहाँ कौन सरोजनी मिलने वाला था, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी तो एक्सप्लोर करेंगे ना। यू आज भी मतलब क्या बोल रहा है, आई जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड बाय। बट व्हाट यू विल बाय, दैट्स अप टू मी, दैट्स नॉट अप टू यू। व्हाट यू विल बाय, आई मीन टी शर्ट्स, क्लोथ्स, बैग्स, आई डोंट नो, आई डोंट नो, शूज, आई डोंट नो, जेट, होम, या अब तो कुछ भी ले लो, कुछ भी, वही तो पूछो। मैं जा रही हूँ अंदर, मैं बोर हो गई, क्वेश्चन पूछना पता नहीं क्यों बता नहीं रही हूँ क्या लेना है, देखते हैं। वो जब शॉपिंग बैग्स होंगे हाथ में तब बताऊंगी ना, अभी क्यों बताऊं। शॉपिंग बैग्स होंगे हाथ में मतलब क्या, ढोने भी हैं और क्या, वो आप ही को ढोना है, मुझे थोड़ा ना ढोना है। लियो लियो चलो आगे चल के देख। ये हमारा प्रीमियम आउटलेट विस्कॉन्सिन में। अब जाएंगे सीधे हम कहाँ, नाइकी। सो चारों तरफ देख लीजिए सारे प्रीमियम आउटलेट्स हैं। हाँ। फिलहाल हम चले उस पर, नाइकी। सो धीरे धीरे एक एक स्टोर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, फिर जैसे जैसे आइटम्स मिलेंगे लाइक द विंडो शॉपिंग देन वी विल पिक अप द स्टफ। सो डिसअपॉइंटिंग यार, कुछ नहीं मिला काम का यहाँ तो, आई डोंट नो व्हाई। चलते हैं, वैसे यहाँ काफ़ी और भी सारे रिटेल ब्रांड हैं, अब देखते हैं कहीं और शायद नसीब में आ जाए कुछ। पर नाइक सो डिसअपॉइंटिंग, मतलब मुझे तो लग रहा था इंडिया में ऐसा कलेक्शन पाओ। चलिए गाड़ी में पहुँच के सामान रख देते हैं, गाड़ी में जाके सामान रखते हैं। हाँ, काफ़ी सारा सामान हो गया नहीं, या जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलेगा, बड़ी भयंकर भीड़ नाइकी में, इन्होंने बताया। कुछ मिला नहीं। फिर हम लोग आए पूमा में, तो पूमा पूमा ही आए थे, फिर पूमा से हम लोग को मिल गया सामान, और अब यहाँ है काफी। हाँ, फिर हम गए कोलंबिया, इंडिया में बहुत महंगा है, आई नो, यहाँ बहुत सस्ता है, कहानी चलती रहती है। तो देखते हैं और शॉपिंग करके देखते हैं। हाँ, सुनीता कैसा एक्सपीरियंस है? अरे बहुत चलना पड़ रहा है भाई। क्या करना पड़ रहा है? बहुत चलना पड़ रहा है, लेकिन ये जो बना है ये पाइनएप्पल दिया है, स्क्वाश इंडिया में हम लोग का जो आता है किसान स्क्वाश, उसी को बना के बर्फ इतना सारा डाल के Nice. मेरे को दिया है लाइम। आपने मांगा है लाइम? हाँ, मैंने मांगा है लाइम, और स्क्वाश का भी फ्लेवर आ रहा है, असली लाइम का नहीं आ रहा मेरे को। That's good. लेकिन यहाँ पे जो और $5 की ड्रिंक पड़ रही है हम लोगों को, 83 400 रुपया की, आधा तो बर्फ ही पड़ा। 400 रुपया का स्क्वाश पी रहे हैं, 400 रुपया का स्क्वाश। अच्छा, लेकिन तो 40 रुपये का हो जाते हैं। मतलब $1 में दोनों आने चाहिए। देखा महंगाई का जमाना कितना है।
अभी तुम लोग को ये नहीं पता कि हम लोग का कट्टा कितना हुआ है। नहीं पता क्यों नहीं, कार्ड से कटा कट पैसे कट रहे हैं ना। तो अब तक मेरे हिसाब से मेरी शॉपिंग हुई होगी 60,000 रुपए तक। 60,000 तक मैंने खर्चा कर लिया। तुमने आ रही कितना हुआ? मेरा उससे कम होगा क्योंकि मैंने कपड़े नहीं लिए ना अभी, मैंने कुछ जूते लिए। मेनली तो जूते ही लिया। हाँ मेनली जूते लिए और बाकी घर वालों के लिए एक दो जैकेट जो मिल रही थी वो लिया। मुझे तो मेसीज और कॉस्को इसी में लग रहा है, यहीं पर मुझे अच्छे कपड़े मिल पाएंगे बजट में। देखो फैक्ट्री आउटलेट के नाम पे यहाँ पे वैरायटी इतनी दिखी नहीं है, या हम लोग ऐसे टाइम पे आए हैं कि कुछ है नहीं खास और ना ही कुछ बहुत ज्यादा सस्ता है। मतलब सबसे मजा तो उसमें आया नाइकी वाले में, एकदम बड़ी बड़ी खूब भीड़, एकदम मजेदार भीड़। मिला हम लोग को कुछ नहीं, थका के हम गए पूमा। पूमा में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी थी, मतलब पूमा में बहुत वैरायटी थी यार। पूमा में समझ नहीं आ रहा था कि कितना ले, 5-6 जोड़ी जूते लेके तो वहां से निकले। हाँ। और कितना जूता लें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब और कितना लें। तो यार मजा है और ये मजा पूरे भारत को देना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मजा है, वैसे देखने के लिए है कि पूरा टाइम हम यहाँ पे काट सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा है टाइम काटने के लिए यहाँ पे। स्टैमिना होना चाहिए इतना हो कि तुम हर आउटलेट में जाके एक्सप्लोर कर सको। मेला लगा है यार, मेला लिटरली कुंभ का मेला है यहाँ फैक्ट्री आउटलेट का। सारे के सारे ब्रांड के फैक्ट्री आउटलेट हैं यहाँ सारे। एक तो अगर आप में एनर्जी हो, पैसा हो खर्च करने के लिए, तो खूब खर्चा कर भी सकते हैं। और अपने साथ पानी लेके जरूर चले, नहीं तो 400 रुपया का ये $5 खर्च करना पड़ेगा। हमारे पास है लेकिन हमारी गाड़ी में रखी हुई है, लेकिन ग्लूकोज शुगर की भी जरूरत है तो अच्छा हम लोग मीठा पी रहे हैं। तो मीठा ही तो मिल रहा तुमको, तुम्हारी लो शुगर हो गई थी लगता है। एक तो मैक्सिकन में तमालेस बोलेंगे, तमालेस इसको तमालेस कहते हैं। हमको समझ में ना आए भैया ई का है। तो जो साहब ऑर्डर किया है यार, रेट हम आपको दिखाएं तो पर वो कंपैरिजन सही नहीं रहेगा मुझे नहीं लगता। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो शूज़ की वैरायटी जो हमें नाइके में दिख रही थी वो हमारे इंडिया में भी है। नो डाउट यहाँ वाले जूते सस्ते पड़े पर जमीन आसमान कम तो नहीं पड़ेगा। हाँ कंपैरेटिवली सस्ता था, कंपैरेटिवली ऑब्वियसली मुझे नहीं यार काफी महंगा पड़ जाएगा। अगर मैं वैसे देखूँ तो आप कुछ 20,000 के जूते पड़ते हैं। सोमा का जो अभी जो मैंने लिया $40 का है वो पर वाला। हाँ तो उसको 80 या 85 के रेट से भी लगाओ तो 3,500 रुपये का। ठीक है इंडिया में वही जूता आई एम वेरी मच श्योर वो मुझे 10 या 12 से कम नहीं देता। को जानते हुए 7-8 हज़ार का पड़ेगा, मतलब 50% का है। क्योंकि नाइके का जो मैं देख रहा था नाइके के $60 के थे, जो पसंद आ रहे थे वो तो $120-$130 के थे। न्यू अराइवल से वो लेने का मन नहीं कर रहा था यार, मतलब इतना पैसा नहीं लगाना था, मतलब जूते देख के लग नहीं रहा था कि इतना पैसा लगाना। मीन वेल यहाँ पे बाइकिंग दिखाता हूँ मेरे को, जैसे हम लोग कार स्प्लेंडर लेते हैं यहाँ पे भाई। ये चलन बहुत है इस तरह हार्ले हार्ले क्रूजर लाइक बहुत लोग। तो एनीवेज 50% का तो फर्क पड़ रहा है फॉसिल फॉसिल भी रहते हैं वहाँ भी 50% का फर्क पड़ रहा है। फॉसिल से तो लिया है छोटू मिनी बैग, मेरा तो मन कर रहा था अपने लिए भी बैग वगैरह लेने का बट मेरे पास अभी इतना स्पेस नहीं कि मैं उनको अच्छे से केयर कर पाऊँ। गेस्ट था फॉसिल था स्पेस नहीं है कि मैं उसकी अच्छे से वो कर पाऊँ। क्या कहते हैं चलो जी दियो जीजो को तो अब यहाँ से निकल लिया हम लोग आंटी आन से। वाज इट आंटी आन? नहीं
एंटी अंग जो ऐसे कुछ वो देते हैं ना नोएडा में बना के। नहीं नहीं वो नहीं था। मुझे वही पता है। नहीं वो नहीं था, डिजाइनर आउटलेट था, ऑफ कर रहा था लेकिन उसका ऑफ करके भी क्या ही दाम था। कितना? $120-125 की ड्रेसेस थी। ड्रेसेस मेंस इफ यू डोंट नो, लड़कियां जो भी एक पीस में पहनती हैं दैट इज कॉल्ड ड्रेस, है ना? सही डेफिनेशन बोलिए। सबको पता होगा। मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा ड्रेस होता है स्कूल ड्रेस, आई मीन एनी यूनिफॉर्म इज कॉल्ड ड्रेस बेसिकली। आर्मी वालों की भी ड्रेस होती है। नहीं है, हम लोग एयरफोर्स वालों की ड्रेस होती है। कुछ भी, अबे ऐसा बोलते नहीं थे फॉर्मल ड्रेसेस देखने थे, थोड़े एक्सपेंसिव, मतलब पॉकेट को काफी हेवी पड़ रहे थे, वो नहीं लिया। सो स्कूल ड्रेस जो हम लोग बोलते थे, स्कूल ड्रेस, ये ड्रेस, वो ड्रेस, व्हाटएवर जो भी था, पड़ा अच्छी डील मिल जाएगी वहां से, मेसी से या जेसी पेनी से। मेसी जेसी पेनी से अच्छी डील मिल जाएगी, इनका ये कहना है। आई एम नॉट श्योर, वो जब जाएंगे तो बता देंगे, वहां भी जाएंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वापस से खाने। अब खाने खाने जा रहे हैं, दीदी जी का वहीं वेट कर रहे हैं, वहीं जाके थोड़ा खाएंगे फिर चलेंगे घर। तो थोड़ा तो कंटिन्यू कर लेते हैं अपना, जो होना था सो हो गया, अब आज के लिए बहुत हो गया, बहुत चल लिया अब नहीं और नहीं करना, घर जाना है। जब मेन जो आए थे वे मेरा तो शूज का था और जैकेट तो आपको लोवर्स लेने थे, वो तो ले लिया मैंने, मतलब आई एम सॉर्टेड ऑन दैट। और मम्मी के लिए भी मैंने फॉसिल का पर्स लिया, मतलब जिंदगी में पहली बार। ओह माय गॉड, क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो चलते हैं ना, क्रॉस करना है। इन्होंने क्रॉस करने के लिए वहां आगे से भी क्रॉस कर सकते थे। नहीं मेरे को इधर से करना था, मेरे को यहीं से करना था, कुछ भी मेरे को यहीं से करना था, मैंने कर लिया, इनको नहीं करना था। ढूंढना पड़ेगा है कहाँ, इटरी में थे ना, उन्होंने बोला उधर से उधर सीधा जाते, अब तो हम इटरी तो जा रहे हैं। हमने क्रॉस क्यों किया? क्या क्रॉस कर दिया? अच्छा मतलब ऐसे जाके ऐसे हो जाएंगे ना। अच्छा चलिए अब इटरी पे मिलते हैं। ओह हेलो, किसको हेलो कर रही हो? किधर फेमस आ गए थे? हां वो तो है, किसमें परफ्यूम में? ओह बाहर से। हां तुमने कहा तो हो एक बात, हां उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे घर से हो परफ्यूम इंडिया के बाद से जो पास, मुझे तो नहीं लगा, तुम्हें नहीं लगा? पता है अगर कैमरे में आया होगा तो लोग कैसे बताएंगे, लोगों ने तो देखा। आई नो बट मुझे लग रहा है चलो घूम ही रहे हैं। और कहीं की तरफ नहीं? हाँ पार्किंग की तरफ, पार्किंग से जा रहे हैं, यहीं से तो है सामने ना, यहीं से है रास्ता, रेस्टरूम के सामने होते हैं। What are you guys doing here? Subscribe. I mean, it's free, and thanks for the free money. I know why. Are you going to add that Aam Aadmi Party wali smile? Ha 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 wali. Hamara channel abhi air political hai, aur hum kisi ko gariya nahi sakte. Yeah. Aur abhi jisko bhi samajhna hai samajh le. तो मैंने इसलिए अपनी बहन का नाम रख दिया हिरण्य कश्यप, बिकॉज अगर आप लोगों को याद हो प्रहलाद वाली, सॉरी टू ऑल मैगी एडिक्ट्स, I won't call him Maggie lover because usme kuch like it's addiction hai, nahi addiction to hai but aapko context dena zaruri hai hamari janta ko, ha ye jo aisa inka naam Kiran Kashyap dal diya humne, ek naam inko bana liya tha,
मैगी खाएंगे, मैगी देंगी और अचानक से पलट गई, कहीं नहीं नहीं अभी दिन का टाइम है, अभी मैगी नहीं। फिर हम कहे दोपहर में कहीं, ये तो लंच का टाइम है जिसमें मैगी नहीं। फिर हम बोले डिनर में कहीं, रात में तो कत्ता ही नहीं। तो हम बोले, हम कहे दीदी यार तुम तो हिरण्यकश्यप हो, न दिन में न रात में, न दोपहर में न शाम में, न टेबल के ऊपर न टेबल के नीचे। इसलिए हमने मैगी खाई वो तो मेरा वो पर्सनल शेफ पीछे बैठा हुआ whatever मैगी end of the story is but हाँ तो वो पूरा ऐसे कोई नाक से लकीरें नहीं खिंचवाई मैंने तुमसे ओके मैगी खाने के लिए। अरे नहीं वो स्वयं नरसिंह अवतार लेना पड़ा ना, खंभा फाड़ के बाहर निकलना पड़ा उन्हें, तो उसके बाद ही तो मैगी आई, तो वरदान पूरे हुए। यू एट मैगी? यस आई डिड, बट हमने नाम क्यों रखा है ये बता नहीं रही हो। साउंडमैन माइक लेके गया नहीं है, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है हुआ है, माइक ऑन है। मैं कुछ कहा थोड़ी तो, मैंने खाली ये कहा था सुबह सुबह कौन मैगी खाता है यार। पर यही बात तो आपने दोपहर को भी कही थी लंच के टाइम पे, और फिर रात के टाइम पे, रात को तो खाता नहीं है। देखो रात को नो मैदा, किसी का एडिक्शन छुड़ाना होता है तो ऐसे ही करते हैं। देख लो, नए नए रीजन सुन लो दुनिया। अभी मैंने तुम्हारा एडिक्शन छुड़ा दिया तो ऐसे ही रहना ओके। और इसको याद रखना, ना दिन में ना रात में। ओके I'm so sick of waiting, getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people from मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।